आंटी आप बोल रहे ना इन्हें, मम्मी प्लीज इजाजत दे दे, फिर मैं नहीं तंग करूंगी। मैं बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन क्यों, आप ही ने भी तो हॉस्पिटल ज्वाइन किया हुआ है, मैं क्यों नहीं न्यूज चैनल ज्वाइन कर सकती? तुम्हारा और परिसा का कोई मुकाबला नहीं है, उसकी जॉब सिक्योर है और तुम्हारी जॉब में टोटल रिस्क ही रिस्क है। नहीं है रिस्की। आप क्यों नहीं कुछ बोल रही? आंटी मैं तो कह रही हूँ कि दे ही दें इजाजत प्लीज। कभी नहीं। अच्छा अब ऐसे वैसे शोज नहीं करेगी ना, सिर्फ सिंपल करंट अफेयर्स के शोज करेगी। अगर आपकी मर्जी के मुताबिक ना हुआ ना तो बेशक रोक दीजिएगा उसे। इजाजत दे दे ना बेचारी बच्ची को, उसकी खुशी है इसमें। प्लीज अम्मी। थैंक यू अम्मी। लेकिन याद रखना ये इजाजत सिर्फ परीसा की यकीन दहानी पे दे रही हूँ। ठीक है। अगर कल कोई प्रोग्राम हुआ ना उल्टा सीधा, दूसरे दिन जाने नहीं दूंगी। अम्मी शिजा कह रही है कि आज डिनर के लिए नहीं आ सकती। उसकी सास तो खुशियों की दुश्मन है। क्या बोलो इसे? अच्छा हैं कैसी वो? मुझे कोई तस्वीर ही भेज दें आप उनकी। मेरे पास उसकी तस्वीर क्यों होने लगी? अच्छा वैसे ही बता दो, प्यारी है? चुप क्यों हो गए? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुम्हें कुछ बताता नहीं, क्योंकि तुम्हें हर लड़की में अपनी भाभी नजर आने लगती है। इसलिए ये बात यहीं खत्म, मुझे देर हो रही है, मैं तुमसे कल बात करूंगा। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बेटी है हरी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वाह ये मेरी है। ऑफ कोर्स ये आपके लिए। मुझे अगर पता होता है कि मेरा छोटा सा फ्रेंड यहाँ वेट कर रहा है तो मैं आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आऊंगा। रियली? ऑफ कोर्स। लेकिन कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आऊंगा। थैंक यू। यू आर वेलकम।